सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस हमेशा की तरीके आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बिग बॉस 15 अपने स्टार्टिंग डेट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और ऐसे में यहाँ पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेकर इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा गॉसिप्स चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 8 कंटेस्टेंट्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड एंट्रीज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिग बॉस 15 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बताते हैं आपको कौन कौन है वो कंटेस्टेंट्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस पहले नंबर पर नाम आता है अर्जुन बिजलानी का, जो कि खतरों के खिलाड़ी की 11 के कंटेस्टेंट थे। तो ऐसे में यहां पर इनकी बिग बॉस 15 में एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा गॉसिप्स इंटरनेट पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो वो है नेहा भसीन, जो कि ऑल्सो एक फेमस सिंगर हैं, और इन्हें भी बिग बॉस की तरफ से ऑफर मिला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तीसरे नंबर पर नाम आता है नेहा मंद्रा का, जिन्हें बिग बॉस की तरफ से ऑफ़र मिला भी था और इन्होंने इसे बिना समय गवाए तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है, और इनको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है रिद्धिमा पंडित, जो कि बहू हमारी रजनीकांत की एक्ट्रेस थी, और इन्हें भी बिग बॉस की तरफ से ऑफ़र मिला है बिग बॉस 15 के लिए। यहाँ पर सना मकबूल भी हैं पाँचवें नंबर पर, जिन्हें बिग बॉस की तरफ से ऑफ़र मिला है और उन्होंने इसे बिना किसी तरह समय गवाए एक्सेप्ट कर लिया। और साथ ही अमित टंडन, जो कि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे, उन्हें भी छठे नंबर पर बॉस 15 में एंट्री करने का मौका मिला है और उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। करण नाथ, जो कि सातवें नंबर पर है हमारी लिस्ट में, और ये दिल आशिकाना फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की थी, उन्हें भी बिग बॉस 15 में ऑफर मिला है एंट्री का। इसके अलावा आठवें नंबर की बात करें तो वो है अग्रवाल, जिन्हें पिछले 3 साल से लगातार बिग बॉस 15 में एंट्री के लिए अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन हर साल वो उसे डिनाई कर देती थी। लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे में यहाँ पर इस बार आपको बिग बॉस में कौन सा कंटेस्टेंट देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही आप किस कंटेस्टेंट को 100% बिग बॉस 15 में देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमरजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। And